दो दिल मिल रहे हैं मगर चुपके चुपके। जी हाँ, ये गाना तो आप सभी ने भी सुना ही होगा। लेकिन इसके साथ हम ये भी देख रहे हैं कि रोशनी को खबर भी चुपके चुपके हो रही है। जहाँ पहले तो हम देखते हैं कि अब है श्रद्धा पर नाराज़ है, पर ये नाराज़गी कुछ पल की रहती है। उसके बाद अब है बातों ही बातों में श्रद्धा पर इस कदर टूट पड़ते हैं कि दोनों गिर जाते हैं। और यहाँ पर आंखों ही आंखों में दोनों की बातें भी हो रही हैं। तुम्हारे कानों तक मेरी बात पहुंचती नहीं है क्या? कितनी बार तुम्हें मना कर चुका हूं मैं, सुनती क्यों नहीं मेरी बात? तो आप मुझे हर बार इतना सुनाते क्यों रहते हैं? ये मतलब है कि मैंने बहुत पहले से ही आपको मन में अपना पति मान लिया था। हाँ तो माना तो मैंने भी था ना, तो ये मेरा होने वाला पति हुआ। रोशनी अभी वो लास्ट टाइम कहते ना, तो ये मेरा होने वाला पति हुआ। अभय के लिए मेरा झोंक उतना बड़ा नहीं जितना तुम्हारा फरेब बड़ा है। ये बात तुम भी जानती हो कि जितना इस सच को दबाने की कोशिश करोगे उस गड्ढे में तुम खुद ही गिर जाओगे। लेकिन तभी आ जाता है वहाँ पर एक तूफान, यानी कि रोशनी की एंट्री हो जाती है। और इन दोनों को ऐसे देखकर जाहिर सी बात है कि वो तो आग बबूला होगी ही। वेल, रोशनी क्या कह रही है इस पे भी डालिए एक नज़र। तो ये सब चल रहा है ना यहाँ पे? इससे शादी क्या हुई है? मेरे लिए तुम्हारा प्यार भूली बिसरी यादों की तरह खो गया है ना? भूल गए ना किसी पागल के मिले प्यार के लिए? वो कसमें, वो यादें सब भूल गए अब है। मैंने भूली। अगर हो तो तुम एक मर्द ही ना, जो मिले वही सही, मैं नहीं तो ये सही है ना? लेकिन श्रद्धा भी आज रोशनी का सारा कच्चा चिट्ठा खोलने वाली है और अभय के सामने ये भी बता देती हैं कि वो पहले से ही अभय की पत्नी थी और दोबारा से उन्होंने अपने पति से ही शादी की है। तुम्हारी सच्चाई का पोल खोलने पर मैं आ जाऊँ ना तो फिर तुम देख लेना। तो क्या? हाँ, मेरे होने वाले पति से तुमने शादी की, समझी? ये तुम्हारी गलत फहमी है। अपने ही पति से मैंने शादी की है। चले। अब देखना ये इंटरेस्टिंग होगा कि ये सच सुनकर अभय पर इसका क्या असर होता है। एंड फॉर मोर स्टडी टाउन अपडेट्स स्टे ट्यून्ड विद जस्ट शोबिज़।